Hello guys, welcome back to the channel Keep It Rolling. I hope all of you are safe in this pandemic. और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे डोमिनर में एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर कैसे चेंज करते हैं। So, let's start. तो पहले आपको पीछे का जो सीट है वो खोलना पड़ेगा। ये दोनों बोल्ट आपको खोलना पड़ेगा ताकि ये सीट निकल सके। इसको खोल के आप साइड में रख दीजिए। नाउ यू कैन ओपन द सीट। टैंक का साइड में ये एलन बोल्ट और दूसरा साइड में भी है एक, ये खोलना पड़ेगा आपको। सामने भी दो है, एक ये और एक ये। ये चारों बोल्ट आपको खोलने हैं और ये खोलने के लिए मैं 5mm की यूज करूंगा। सॉरी, मैं दो बोल्ट के बारे में बोलना भूल गया। एक यहाँ पर है, उसके अपोजिट साइड यहाँ पर भी, तो इन दोनों को भी खोलना पड़ेगा। धीरे से सामने से खींचिए फैन को, तो ये इजीली निकल जाएगा। यहाँ पर दो नीचे दोनों स्पॉन्ज दिया हुआ है तो वहां पर थोड़ा अटक रहा है, ये वाला इसमें थोड़ा अटकेगा और खींच के निकाल सकते हैं। अगर ये निकल भी गया तो बाद में इसको टेप से लगा सकते हैं। नीचे जो छोटा जो मीटर है वहाँ का वायर यहाँ से यहाँ पर कनेक्टेड है, तो इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फिर इसको धीरे से ऐसे लटका देंगे। ये ऐसे लटका हुआ रहेगा, कोई इशू नहीं है। और अभी आपको ये बोल्ट और सामने का ये बोल्ट, ये तीनों आपको खोलने हैं ताकि ये टैंक बाहर आ सके। सो गाइज, यहाँ पर ये सॉकेट यहाँ पर घुस नहीं रहा है, ठीक से घुस नहीं रहा है, टच हो रहा है ऊपर यहाँ पर। ये लगाने से यहाँ पर टच हो रहा है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं 12mm स्पैनर से ये बोल्ट और दूसरे साइड का बोल्ट खोल सकूँ। तो इसके लिए हम ऐसे करके लगा के सिर्फ ये दोनों बोल्ट आपको खोलने हैं तो ये निकल जाएगा। ये दोनों बोल्ट खोल लिए, तो ये आपको पूरा खोलने का जरूरत नहीं है। टैंक को साइड में लगाएंगे, थोड़ा हैंग करेंगे टैंक को ऐसे। ये 12mm स्पैनर से ये खोलेंगे। और अभी आपको सामने का ये बोल्ट खोलना है, इसलिए आपको 10mm का सॉकेट लगेगा।
को भी बाहर निकाल दीजिए। ये है आपका फ्यूल फिल्टर, वाइट कलर का जो देख रहे हो आप लोग, ये वाला ये फ्यूल फिल्टर है। और एयर फिल्टर को भी हटाना है और आपको ये भी खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए 14 mm का स्पॉकेट। डोमिया BS4 में टायर ऐसा नहीं है, हमको नहीं पता है एक्चुअली, पर BS6 में शायद ऐसा दिया है। ये देखिए ऐसा एक बोल्ट आएगा, ठीक है। अभी ये टैंक निकलेगा, ये सब क्लिप है, ग्रीन जगह प्रेस करोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ग्रीन जगह में ऐसे प्रेस करना है। और इसके दोनों साइड में और एक और दोनों ऐसा क्लिप लगा हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ। एंड दिस वन इज अ न्यू फिल्टर, ये जेन्युइन बजाज का ही है, 100 rupees लेता है इसका। तो ये खोलने से ऐसा नीचे करने से थोड़ा पेट्रोल गिरेगा, ठीक है। तो ऐसा लगा दो, बेस्ट रहेगा ऐसा लगा दो। अभी ये ऐसे खोलेंगे, खोल कर इसको हटा के इसमें लगाएंगे। और ये जो पाइप है इसको खोल के ये लग गया आपका नया फिल्टर। यहाँ पर थोड़ा पेट्रोल जमा हुआ रहता है तो थोड़ा पेट्रोल तो गिरेगा ही, ठीक है। ये आपका नया फिल्टर लग गया, ये देखिए इसका अंदर पूरा ब्लैक हो गया, आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं, देखिए इस ये इसका कलर देखिए, इसका कलर देखिए। तो ये हम फेंक देंगे और नया फिल्टर लग चुका है। और अभी टाइम है एयर फिल्टर का, ये नया एयर फिल्टर पूरा साफ और गंदा वाला यहाँ पर अंदर है, तो मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ। तो इसके लिए चाहिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर, और इसके पीछे भी है। तो हमको टैंक अभी ऐसा ऐसा है, इसको इस साइड करना पड़ेगा, यहाँ पर है। ये देखो एयर फिल्टर, सब दूसरा साइड, ये साइड। अंदर चला गया एयर फिल्टर। सो गाइस, मेरा एयर फिल्टर और फ्यूल फिल्टर लगाना हो गया है। और जैसे आप खोले थे इसको वैसे ही, ठीक वैसे ही इसको फिर से लगा दीजिए स्टेप बाय स्टेप। Come to the ground. Don't think that we-
तो ये पुराना फ्यूल फिल्टर है, ठीक है। ये 6,000 किलोमीटर जस्ट चला है, और इसके अंदर देखिए क्या है। तो ऐसा हालत है। तो मैं रेकमेंड करूँगा एवरी 5,000 किलोमीटर बाद आप ये फ्यूल फिल्टर ज़रूर चेंज करवाएं, क्योंकि ये जस्ट 100 रुपीज़ का आता है। और ये है एयर फिल्टर, इसका हालत देखिए। और ये अगर नहीं चेंज करवाए हुए तो आपका गाड़ी का हीटिंग इश्यूज होगा, क्योंकि एयर और फ्यूल दोनों में से कोई भी एक गाड़ी के अंदर कम जाने से गाड़ी का हीटिंग इशू होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड कीप इट रोलिंग। बाय बाय। उसको देखिए, मैं जब से काम कर रहा हूँ तब से बैठा हुआ है वहाँ पर। बाय बाय।